So here's up guys, Harsh Jain back in the video. So guys, in this video I'm gonna show you again that how you can disable this. Lock nahi laga hua. So guys, jaise ki aap dekh sakte ho, ye hai mera iPhone 7 and main ek bar isme fatafat se ek random password dalta hu. Aur guys, jaise ki aap dekh sakte ho, ab mera jo iPhone hai wo disable ho chuka hai 15 minute ke liye. So guys, in this video I'm gonna show you just that ki guys isko aap kaise bypass kar sakte ho. Guys, maine aisi video ek past mein bhi bana rakhi hai, but guys ye updated method hai. Isme main particularly aapko dikhaunga कि iOS 14.6 पे आप कैसे कर सकते हो. सो गाइस, ये जो मेरा आईफोन है, ये है आईफोन 7 और ये है अपने iOS 14.6 पर. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड. सो गाइस, मैं सबसे पहले आपको इसके लिए ऑब्वियसली लैपटॉप चाहिए होगा. एंड गाइस, जो ये एप्लीकेशन है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एप्लीकेशन है, आई विल जस्ट शो यू. एंड सो ऑल राइट, जैसे कि आप देख सकते हो, इस मेथड के लिए हम यूज़ करेंगे इस पासकोड आईफोन अनलॉकर एप्लीकेशन को. एंड गाइस, इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो. जैसे कि आप देख सकते हो, अनलॉकर लॉक्ड आईफोन डिसेबल, ये तो हमने बात कर ही लिया. फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है. ये सब चीज़ें तो हम iTunes के साथ भी कर सकते हैं. गाइस, बढ़िया बात है कि हम इसमें टर्न ऑफ स्क्रीन टाइम पासपोर्ट भी टर्न ऑफ कर सकते हैं, एप्पल ID को भी रिमूव कर सकते हैं. ये चीज़ें गाइस हम iTunes के साथ नहीं कर सकते हैं. एंड गाइस, रिमूव रिमोट मैनेजमेंट, गाइस ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम iTunes से नहीं कर सकते हैं, बट हम अपने इस वाले एप्लीकेशन से कर सकते हैं. सो गाइस, लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड. मैं इसको फटाफट डाउनलोड करता हूँ. गाइस, सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा. गाइस, मेरे पास ये ऑलरेडी है, इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा. मैं देखता हूँ इसको कैंसिल. ओके, मैं नहीं कर पाया. सो गाइस, इसको इंस्टॉल करने के बाद बेसिकली बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, कुछ इस तरह का इसका UI है एप्लीकेशन का. एंड जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है अनलॉक iOS स्क्रीन पासवर्ड. सो गाइस, मैं फटाफट क्या करता हूँ, मैं अपनी USB के थ्रू अपना मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ. सो गाइस, जो मैं USB इसमें यूज़ कर रहा हूँ, ये ओरिजिनल USB नहीं है, ये थर्ड पार्टी USB है जो कि है ERD कंपनी की. गाइस, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें ओरिजिनल USB ही यूज़ करो. कई बार क्या होता है, इन पुरानी मतलब इन थर्ड पार्टी USB से ये चीज़ नहीं होती है. सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अपने फ़ोन का पासवर्ड, वैसे मेरे को इसका पासवर्ड तो पता है, बट गाइस हम प्रिटेंड ऐसा करेंगे कि हम इसको भूल चुके हैं. गाइस, 15 मिनट के लिए तो मैं फ़ोन को कुछ कर ही नहीं सकता हूँ. खैर, सो गाइस देखते हैं यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं. गाइस, मेरे हिसाब से मेरे को स्टार्ट पर ही क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि अनलॉक एप्पल आईडी मेरे को यूज़ नहीं करनी है, ये भी मेरे को यूज़ नहीं करना है. सिंपली मैंने क्लिक किया यहाँ पे स्टार्ट पे. एंड गाइस, यस, हमें यही रिमूव करना है. सो गाइस, मैंने क्लिक किया नेक्स्ट पर. अब ये बोल रहा है कि मेरे को जाना पड़ेगा DFU मोड पे. सो गाइस, रिकवरी मोड पे, रिकवरी मोड पे जाने के लिए गाइस मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को पावर बटन दबा के रखना पड़ेगा और वॉल्यूम डाउन बटन. अलग अलग फ़ोन के लिए अलग अलग हिसाब होता है. सो गाइस, मैंने ये दोनों बटन्स दबा रखे हैं. मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, क्योंकि इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है, 30 सेकंड्स के आसपास लगते हैं मेरे हिसाब से. गाइस, मैंने कॉन्टिन्यूसली बटन दबा रखे हैं. एंड गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, गाइस यहाँ पे लिखा आ गया है कि भाई मतलब मेरा जो मोबाइल है वो रिकवरी मोड पे आ गया है. सो गाइस, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ, गाइस ये डाउनलोड करेगा आपकी iOS लेटेस्ट iOS फाइल को. सो गाइस, वर्जन 14.6 है फिलहाल के लिए लेटेस्ट. मेरे पास ये ऑलरेडी है गाइस, इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ. मैं अपने पाथ सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, जो कि जहाँ से मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है. गाइस, मेरे पास ये ऑलरेडी है 14.6 की फाइल, इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, आपको ये डाउनलोड करनी पड़ेगी. एंड सो ऑलराइट गाइस, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है. गाइस, मैं सिंपली क्लिक करूँगा स्टार्ट रिमूव पर. एंड गाइस, यहाँ पे लिखा है रिमूविंग स्क्रीन लॉक. और गाइस, मेरे जो डिवाइस है फिलहाल के लिए इसमें कुछ भी नहीं हुआ, इसमें यहीं पर ही अटका हुआ हूँ मैं. गाइस, अभी तो ये वेरीफाई कर रहा है, इस चीज़ में टाइम लग सकता है, क्योंकि बेसिकली ये नया सॉफ्टवेयर फ्लैश कर रहा है. ये गाइस सेम चीज़ हम iTunes से भी कर सकते हैं, आई एम टेलिंग यू. सो गाइस, ये सेम चीज़ हम iTunes से कर सकते हैं, इवन इफ इट अ स्पॉन्सर वीडियो, क्योंकि गाइस जो चीज़ हो सकती है वो हो सकती है. सो गाइस, बट इसके साथ हम काफ़ी सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं एप्लीकेशन के साथ. मेरे हिसाब से इसलिए ये पेड है, क्योंकि सबसे बढ़िया बात जो है, इसमें एक्टिवेशन लॉक भी बाईपास कर सकते हैं, जो iCloud वाला होता है. उसके लिए पैसे लेना, पैसे स्पेंड करना, तो हाँ फिर भी मेरे को लगता है कि हाँ वैलिड है. बट गाइस, ये चीज़ हम iTunes से भी कर सकते हैं. एनीवे गाइस, इसका वेट करते हैं और 10 मिनट दिखा रहा है, देखते हैं 10 मिनट में क्या होता है. एंड सो ऑल वर्ड गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, फाइनली यहाँ पे लिखा आ गया है स्क्रीन लॉक रिमूव सक्सेसफुली. गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ डिवाइस विल रीस्टार्ट. एंड गाइस, आपको मैं अपना फ़ोन दिखाता हूँ. वेट, सो गाइस, अब मैं चाहूँ तो अपने फ़ोन की USB निकाल सकता हूँ. ऑल वर्ड गाइस, सो एज यू कैन सी गाइस, मेरा फ़ोन ऑलमोस्ट रीसेट हो चुका है मेरे हिसाब से. गाइस, मैं इस पार्ट को थोड़ा आगे करके देखता हूँ, इसको मैं इनफैक्ट फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, क्योंकि ये देखने में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है. जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे टच आईडी लगाने का ऑप्शन मेरे को मिल गया है, और गाइस अपना पासवर्ड लगाने का भी ऑप्शन मेरे को मिल गया है. सो गाइस, मैं फिलहाल के लिए कोई इसको फटाफट से सेटअप करता हूँ. गाइस, जैसे कि आप देख ही सकते हो, ये वाला ऑप्शन नहीं आता अगर हमारा पासवर्ड रिमूव ना हुआ होता तो. सो गाइस, मैं इसको फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ. एंड गाइस, एज यू कैन सी, फाइनली हमारे मोबाइल फ़ोन से हमारा पासकोड रिमूव हो चुका है. सो गाइस, मैं इसको अनलॉक करके दिखाता हूँ आपको. एंड गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, अब मेरा डिवाइस अनलॉक हो रहा है विदाउट एनी पासकोड. गाइस, हाउएवर, ये सारा का सारा मेरा डेटा डिलीट हो चुका है इसमें से. बट गाइस, अगर मान लो आपका फ़ोन डिसेबल हो चुका है, तो गाइस आप ये वाली चीज़ यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली इसने रीसेट ही करा है मेरे मेरा आईफोन डिवाइस को. बट गाइस, देखा जाए तो पासवर्ड रिमूव हो चुका है.
टेक्निकली पासवर्ड रिमूव हो चुका है, बट कई सारा का सारा डेटा डिलीट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो एक भी फोटो नहीं बची है। तो गाइस बेसिकली यही मेरे को आपको इस वीडियो में दिखाना था गाइस, बेसिकली दिस इज हाउ यू कैन रिमूव पासवर्ड फ्रॉम योर आईफोन डिवाइस। सो गाइस शायद आपको देखकर समझ आ गया होगा कि क्यों किस तरह से हम इसको रिमूव कर सकते हैं पासवर्ड को। सो गाइस आई विल शो यू अगेन, जैसे कि आप देख सकते हो। सो गाइस यही मेरे को आपको इस वीडियो में दिखाना था एंड होपफुली आप यही देखने आए होंगे इस वीडियो में। So guys, मेरे हिसाब से आई थिंक दैट्स वेरी मच इट फॉर दिस वीडियो एंड इफ यू गाइस मेड टिल द एंड जस्ट ड्रॉप अ लाइक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस एंड गाइस घर पे रहो और सेफ रहो, घर पे मत भी रहो तो भी सेफ रहो।